नमस्कार दोस्तों, मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हर हर महादेव। सावन का ये महीना चल रहा है और सावन के महीने में शंकर भगवान और उनके जो गण हैं, उनके जो प्रिय हैं, उनके अंदर अद्भुत चमत्कारी शक्तियां आ जाती हैं। चलिए हम बताते हैं नागराज, इस विषय पे बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम आपको अच्छी तरीके समझाते हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, हर वो चाहे निर्जीव हों या सजीव हों, उनके अंदर एक ऊर्जा है। पानी, तांबे का तार, मोटर, इन कुछ चीज़ों को एकत्र करके हमारे वैज्ञानिकों ने बिजली उत्पन्न की। अगर हम वो विज्ञानी यही सोचते कि ये तार के अंदर, पानी के अंदर, मोटर के अंदर ऐसा करके बिजली कहीं या करंट उत्पन्न किया जा सकता है, या कभी सोचा होगा? नहीं सोचा होगा। लेकिन उन्होंने जांचा, परखा, देखा, प्रैक्टिस किया, उसको प्रैक्टिकल किया, तब जाके निकाला। इसी तरीके हम अंगूठी में देखे, पन्ना, नीलम और पुखराज, गोमेद, ये सब पहनते हैं। ये आपको साधारण पत्थर लगते होंगे, लेकिन इन पत्थरों के अंदर ऊर्जा है, इसीलिए पहनते हैं। हर के अंदर एक पावर है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके घर के किचन में रखा हुआ चूल्हा भी वो साधारण नहीं है, उसकी ऊर्जा को आप नहीं पहचान पा रहे। आपके घर की मिट्टी, आपके घर की छत, आपके यहाँ के कंकड़ पत्थर, सबके अंदर एक ऊर्जा है, बशर्ते आप उन ऊर्जाओं को समझ नहीं पाते। तो आज हम ऐसी ऊर्जा की बात करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं नागराज चेटकी जाल। चेटकी एक शक्ति भी होती है, योगिनी भी होती है, जिसे गांव में देवी भी बोलते हैं, और नागराज हमारे नागदेव, जिनके फन पे खड़ाऊ बनी रहती है, शंकर जी वाला। कोबरा में एक होता है नाग, किंग कोबरा और कोबरा। तो कोबरा जो होता है वो काला होता, विषधर होता है, और उसके कंठ पर खड़ाऊ बनी रहती है। तो ये होता क्या है, सबसे पहले हम इस पर विचार करेंगे, समझेंगे। जब किसी चीज़ को समझेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये होता क्या, कहाँ बनता है, इसके लाभ क्या है, तभी हमको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो मित्रों, जैसा आप जानते हैं, जहाँ दीमक होती बागों में, पहाड़ों पर, मिट्टी में, तो अपना एक ढेर बनाती हैं, दीमक की मांद बोलते हैं। मांद मतलब जहाँ बहुत सारी लाखों करोड़ों की संख्या में दीमक एक समूह में रहती है, उसे मांद बोलते हैं। मछली की मांद होती है, दीमक की मांद होती है। सांप कभी अपना बिल नहीं बनाता, ध्यान रखिए, ये चूहों के बिल में, नेवला के बिल में, सॉरी नेवला बोले, चूहे के बिल में, ये जो घरेलू चूहे होते हैं, खेत के चूहे होते हैं, इनके बिल में ही अपना आवास बना लेता है। तो होता क्या है कि इसी प्रकार दीमक को सांप बहुत चाव से खाते हैं। तो दीमक को जब ये खाते हैं, तो खाते खाते पूरा समूह, एक, दो, तीन, चार, ऐसे तरीके 10-12 सांप उसके अंदर वास भी करना चालू कर देते हैं। बढ़िया मिल जाता मखमली मिट्टी, गोल सा घेरा, गहरान चौड़ान बढ़िया मिल जाती है, तो उसी के अंदर वो अपना वास बना लेते हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पे, नागराज चेटकी। मित्रों, ध्यान देना इस बात को, जिस प्रकार नेवला सांप को काटता है, लड़ता है, बार बार जाता है, एक जड़ को सूंघ कर निकलता है, फिर आता है, उस पर सर्प का जो विष होता है उसका प्रभाव नहीं होता, यानी सांप के विष का प्रभाव उस नकुल नेवले पे नहीं होता है। इसी प्रकार जब बिल, एक बिल में बहुत सारे सांप रहते हैं, और जहां बहुत सारे रहेंगे, कभी कभी प्रतिद्वंद्विता के तहत एक दूसरे पर वार भी करते हैं, एक दूसरे को काटते भी हैं। जहर तो सर के ऊपर होता है, और काटेंगे कभी पीठ पे, कभी पूंछ पर, तो रिएक्शन तो होता ही है। तो इससे बचने के लिए जब एक दूसरे में अंदर लड़ाई होती है, प्रतिद्वंद्विता होती है, तो भागकर जो हारता है नाग, वो बाहर जाकर एक चित्रक नाम की जड़ी होती है। चित्रक एक काला चीता भी बोलते हैं, लेकिन वो नहीं, एक चित्रक होता है जो बहुत महीन घास जैसी होती है, उसका वो भक्षण कर लेता है। भक्षण मतलब खा लेता है। खाने के बाद उसके वो घाव, जहर सब दूर हो जाता है। अब आते हैं कि चेटकी जाल बनता कैसे। यही घास है जब खाता है, खाने के बाद इसके शरीर में इतनी ऊर्जा हो जाती है, इतनी ऊर्जा हो जाती है कि ये लगभग 24 आवर्स खड़ा ही रहता है।
बैठ नहीं पाता, फुफकारता रहता है सू 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 सू। जब एक टेम्परेचर इसकी बॉडी में बन जाता है इसको निकालने के लिए, जब कादिस टेम्परेचर बन जाता है, ये गल जाती है, टेम्परेचर बन जाता है, तब क्योंकि ये घास जो है निगलने के बाद जल्दी निकलती नहीं है, इसके अंदर कांटा 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 ऐसा रहता है, वो फंस जाती है। तो अपनी एक ऊर्जा से मतलब खड़े होकर 24 घंटा लगभग 30 घंटे 24 घंटे 20 घंटे जैसा उसकी आयु बल हो उसी हिसाब से वो फू फू करता रहता, इस तरीके से जैसे योगा करता हो कोई। उसके प्रभाव से एक उसके बॉडी में एक क्रिया होती जिससे एक पित्त का निर्माण जाता होता जो हमारे भोजन को पचाती, पित्त। पित्त के प्रभाव से उसकी एसिड पित्त जो होती काफ़ी तेज हो जाती है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे वो जड़ी गलती है, गलने के साथ वो मुंह से निकलती है, जब मुंह से निकलती तो एक जाला नुमा छोटी छोटी निकल जाती हैं। तो ये जो ध्यान रखिएगा, अच्छे जानकार बंगाली हैं, अच्छे कभी बंगाली मिले तो इनसे इसका चर्चा मत करें, उससे पूछो कि ये चेटकी जाल क्या होता है, तो इतना बढ़िया मोटिवेट करेंगे आपको, बेटा ये जड़ी होती है इसी को चेटकी जाल बोलते हैं, यानी उसको कुछ ना कुछ बेचना रहेगा, वो किसी ना किसी चीज़ को आपको बता देगा। लेकिन सावधान, चेटकी जाल इतना छोटा सा होता है, टुकड़े टुकड़े में गिरता है, कभी लंबी गिरती है, इसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, और हल्की जाल जैसी बनी रहती है। और अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता, और ईश्वर चाहेंगे 5 अगस्त तक मेरे पास आ जाएगी, चूँकि इसको मैं बोल दिया हूँ, और इसकी फ़ोटो भी आ गई है, फ़ोटो मैं इस वीडियो के बाद शाम तक उसे मैं व्हाट्सएप पे फ़ोटो मंगा लूँगा, मंगाने के बाद मैं ये भेजूँगा आप सभी लोगों को व्हाट्सएप पे, एक सॉरी यूट्यूब पे वीडियो नहीं, एक होता है पोस्ट, पोस्ट होती है राइटिंग पोस्ट, वो मैं करूँगा, उसको आप सब लोग देख लेना, ठीक है। तो इसके प्रभाव क्या हैं, इसको घर पर रखने से, रखने का तरीका ये होता है काले कपड़े में बांध कर, और नाग की और नागिन की तांबे की छोटी सी मिल जाता था 10-20 रुपए बाजार में, नाग नागिन के साथ इसको रख दीजिए। आपके घर में कितना भी भयंकर जादू कराया जाता हो, कितना भी भयंकर, वो कभी भी असर नहीं होगा, और जादू करने वाले का खुद उल्टा हो जाएगा। दूसरी बात, आपके घर में सर्प कभी नहीं आएंगे। तीसरी बात, शिव की कृपा बनी रहेगी। चौथी बात, आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। पांचवी बात, कोई अकाल मृत्यु नहीं मरेगा। छठी बात, आपके यहाँ औरतें कभी उनको मांग, समझ गए ना, कि उनके पति दीर्घायु होंगे। तो माता गौरा का आशीर्वाद है, शिव जी का आशीर्वाद है, सम्मोहनकारी होता, अगर कोर्ट में जाए तो इसे साथ लेकर जाएं, बिजनेस में लेकर जाएं इसे साथ लेकर जाएं, सभी कार्य आपके सफल बनेंगे, शुद्ध बनेंगे, शत्रुओं का नाश होगा, अद्भुत चीज़ है। तो ये इसकी फ़ोटो आएगी तो मैं ज़रूर आप सभी लोगों के बीच शेयर करूंगा, और साथ ही इसको आप अगर कहीं से लेते भी हैं तो समझ कर लीजिएगा, कहीं आप ऐसे लोगों के बीच ना फंस जाएं कि आपका पैसा भी जाए समय भी जाए, ठीक है। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, उस पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9118036409, दूसरा 7497288 इन दोनों नंबर पर सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक मैं भी अवेलेबल रहता हूं, हमारा नंबर जो लोग जानते हैं, इन्हीं दोनों नंबर के माध्यम से हमसे भी बात हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये दोनों नंबर पर हमारे विद्वान लोग हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साधक हैं, हम उनको साधना सिखा रहे हैं, हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बात करना चालू कर देंगे लाखों लोगों में, बात एक दिन में सबको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए वैदिक आचार प्रचार और अपने तंत्र जगत के माहिर लोग हमारे साथ हैं, जो आपको संपूर्णता शुद्ध जवाब देंगे, सही जवाब देंगे, सही चीज़ बताएंगे, लेकिन आपका सवाल बहुत बड़ा ना हो। ध्यान है, बहुत से लोग व्हाट्सएप पे आके सवाल जवाब करते हैं, उनको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, चूँकि व्हाट्सएप पे अगर सवाल जवाब करना चालू कर दूंगा तो मेरा बेड़ा आप समझिए पार ही हो गया, फोन वालों को नहीं सुन पाऊंगा, किसी की पूजा पाठ नहीं कर पाऊंगा, किसी का कोई काम नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए व्हाट्सएप पे सिर्फ उन्हीं लोग आए जिनको मैं साधना सिखा रहा हूँ, जिनका मैं कार्य कर रहा हूँ, और लोग ना आए, बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।